तो चलें जी, आ चुकी है मेरे पास मेरी तीसरी ईदी। और ये तीसरी ईदी किसकी तरफ से है ये देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, आज हम बच्चों में ईदी बांटेंगे। बच्चों में ईदी, किसको ईदी चाहिए किसको? दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज माई ईदी। ये देखिए, ये ईदी मुझसे छीनी जा रही है। यूट्यूब फैमिली, ये कितनी ईदी चाहिए? ये लो, निकालते जाओ, निकालो, एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। ए तो ये रामीन जो है ना, बहुत प्यारा सा लेंस लेके आई, और इसका कलर चेक करे चुड़ैला वाला कलर है। तो ये देखे, अली जान मुझे चूड़ियां पहना रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ये देखें, न्यू जेनरेशन का बच्चा सर पे किताबों का बोझ उठा के जा रहा है। कहाँ जा रहा है? इनको जिल्द करवाने। तो चलें जी, अब हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने शूज शॉपिंग करने, बच्चों के जूते वगैरह लेने के लिए। तो इधर से जो है ना, हम जूते लेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना, बच्चों की पसंद शुरू हो गई है। अच्छा, असली शूज़ पीछे हैं? फिर आप जाओ पीछे देखो। व्हाइट वाले लेने आपको, वो जो नीचे वाले शूज हैं। जाओ देखो, गर्मी, जाओ देखो, देखो जो भी लेने हैं जाओ देख लो। इसकी तो एक्साइटमेंट की हद ही नहीं है, एक चीज़ पसंद आनी नहीं है, कभी उस पर हाथ रखेगा कभी इस पर। और इसकी देखे, मस्तियाँ शुरू हो गई हैं। हाँ, कोई पसंद आई कि नहीं? समझ नहीं आती, आनी भी नहीं है उसी की आई है। आपको ना समझ आनी भी नहीं है बेटा। तो आप कौन सी ले रहे हैं इनमें से? इनमें से कोई इन से मैं कहती हूँ ये वाली लें या वो वाली, वो अच्छी नहीं है। ये देखें, ये चीज़ अच्छी है, ये देखें। आपने कौन सी लेनी है? जो आपको अच्छी लगे। ये वाले। अच्छा, मैं पसंद करूं? ये कैसी? नहीं, ये नहीं, ये ओल्ड मैन पहनते हैं। ये वाली अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। ये या वो? हाँ, दो में से एक। और सैंडल में से ये वाली लाइन या वो वाली लाइन? ये वाली, ये वाली। दो तीन डिज़ाइन आ जाते हैं पैर में पहन के। तो इनके पास सैंडल की वैरायटी भी बहुत ज़बरदस्त सी आई हुई है, जिसने भी ईद की शॉपिंग करनी है। तो यहाँ से मैंने अपने लिए जूता मंगवा लिया। डिज़ाइन सेम है? ये रेड वाला 10 नंबर है ना? तो ये जो है ना, और ये वाली जो है ना ब्लैक है। दो में से जो भी अच्छी लगेगी वो लूँगी। फुल नहीं है? फुल अगर साइडों पे एम्ब्रॉयडरी हो तो ऐसे ही है। सुफियान ने अपना जूता सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये कौन सी? मेरे कौन सी लोगे? हाँ, दोस्ती देखो भाइयों की। और इधर इनकी जो है ना, ये वाली अच्छी लग रही है, इस साइड वाली। तो इधर जो है ना, अली अपने लिए पसंद कर रहे हैं, और यहाँ पे मेरे जूते पसंद नहीं हो रहे मुझसे। सबको एडवाइस दे रही हूँ, लेकिन मेरी एडवाइस ये तो भाई आ ही नहीं रही। साइज पूरा है, लेकिन आगे पाँव सही नहीं लग रहा ना। तो चले, इनके जूते तो मैंने सेलेक्ट कर लिए, और दो जूते इनके डन हो गए। लेकिन यहाँ पे मुझे ना अपने जूते की समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरे पाँव का मसला है। तो मैं उसी तरह का पहनती हूँ, लेती हूँ, जो मुझे कंफर्टेबल भी रहे। तो इन दोनों की फरमाइश है कि हमारे सेम सैंडल हों। तो इनकी देखा देखी जो है ना, काशिफ भी कह रहा है मेरे भी सेम हों। तो तीनों भाइयों के सेम सैंडल हैं। जो अली का है ना, सिर्फ कलर ब्लू है, बाकी इन दोनों का कलर सेम है। चलो ठीक है, फाइनल।
चलो ओके हो गया, बहुत मुश्किल से डिसाइड किया इन्होंने। तो यहाँ पे जो है ना हमारे सारे जूते हो गए हैं फाइनल, और सिर्फ एक रह गया बच्चों की मम्मा का, उसके काम देखो इसको हमेशा एक्स्ट्रा ही जल्दी होती है। वही सुकून नहीं है काशिफ। तो ये बच्चों की शॉपिंग हो गई है डन, थोड़ा नहीं है। यहाँ पे आते ही इनका ये काम शुरू हो गया, जूते सबके एक्सचेंज हो गए थे। हाँ हाँ साइज से पता चल जाएगा ना कौन सी किसकी है। अब ये सारे डब्बे खोल के फौरन चेक कर रहे हैं। मैंने बोला था कि मेरी है। अच्छा ठीक है बस बिना देखे बता दिया। चलो ये मेरी है, वो बच्चों की मम्मा की। अभी हस्बैंड ने अपनी ले ली है ना, ये हस्बैंड ने अपनी, आपने दो ली है ना, इन्होंने अपनी दो ले ली है। बैग एक जैसे है ना सबके, जो है ना दिमाग घूम गए हैं। अभी देखिए लड़ाइयाँ इनकी शुरू। अल्लाह अकबर, बस करो बच्चों। चलें जी, हस्बैंड के कपड़े जो है ना पहले प्रेस करके इनमें नाड़ा वाड़ा डाल के सब करके छोड़ दिया है, क्योंकि हस्बैंड बाद में शिकायत लगाते हैं कि बीवियां आप अपना काम करने में बिज़ी हो जाती हैं और आपको ये फिक्र नहीं होती कि मेरी शलवार में नाड़ा डाला है कि नहीं। तो ये मुझे लगता है हर बीवी के साथ होता होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपके हस्बैंड भी चांद रात को ऐसा करते हैं। तो मैंने निकाल ली अपने लिए ये ब्लैक ड्रेस, मैं ये पहनूंगी। पर आप ये मत सोचिए कि ये मैं ईद पे पहनूंगी, अभी मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने, तो मेहंदी के दाग तो आपको पता लग ही जाते हैं, इसलिए ये वाला ब्लैक ड्रेस पहन के जाते हैं। इधर से मैंने रिसीव किया रामीन को, अभी हम जाएंगे मेहंदी वाली के पास। डोर तो क्लोज करो, मैं नाजिश को गिदे जुलाऊँगी। ये देखें ये हाल है, ईद की रात है, आज भी लोग जा रहे हैं सफ़र कर रहे हैं, पता नहीं बेचारे कहाँ जा रहे हैं, ना मंजिल है ना मंजिल का पता है, किसी को इधर आना है और किसी को इधर से जाना है, और हमने इधर से पेट्रोल भरवाना है, फिर हमने मेहंदी लगवाने जाना है। और यहाँ पे हम आधी रात को मेहंदी वाली को ढूंढते हुए, बिकॉज हम लड़कियाँ हैं और हमें मेहंदी लगवाने का क्रेज़ है। और एक हम चले गए थे आगे वाली गली में जहाँ पे पार्लर वाली थी नहीं, और क्या बताऊँ वो गली इतनी टूटी फूटी थी ना, इतने मुश्किल से फिर गाड़ी भी बैक लेके आनी पड़ी। तो ये जो है ना बहुत मुश्किल होता है। अभी हम पहुँच गए हैं मेहंदी वाले के पास। हाँ ये भी प्यारी लग रही है, उनके भी आपने सेम लगवाई है। अच्छा बहुत प्यारी। ये देखिए अभी जो है ना इन्होंने लगवाई है, और अंदाज़ा हो गया है कि डिज़ाइन जो है ना अच्छा लग रहा है और नीटनेस से भी लगा रही है। अभी ये वाला डिज़ाइन बनवा रही है सेकंड, फिर हमारी बारी आएगी। तो ये रामीन जो है ना बहुत प्यारा सा लेंस लेके आई, और इसका कलर चेक करें चुड़ैला वाला कलर है। तो ये देखें ये जो है ना इन्होंने लगवा ली है अपनी मेहंदी, इधर से दिखाएँ, और ये देखें इधर से जो है ना इस तरह का डिज़ाइन। चलें जी, अब मेरी जो है ना पाँव की मेहंदी फर्स्ट स्टार्ट होने लगी है। अभी जो है ना पाँव की मेहंदी हो गई है डन, और यहाँ पे जो है ना मेरे हाथों की मेहंदी स्टार्ट हो गई है, और तकरीबन रात के 3 बज गए हैं। पता नहीं हम लोग किस टाइम फ्री होते हैं। मैंने आज 7 बजे से पहले फ्री नहीं होनी, मेरी मेहंदी ख़त्म ही नहीं होगी आज। तुम रही मैं वापस चली जाओ, वहाँ पर तुम्हें कोई मिल जाएगी। तुम रही यार से आई हो इतना सफ़र करके यहाँ पर मेहंदी लगवाने, तो फिर इसे अच्छा है ना जल्दी चली जाओ वापस। इसके जो है ना अब मेहंदी में ये किसी की नहीं सुनेगी, किसी के तो सुन लो, उनको लगवाने दो पहले हैं, उनको लगवाने दो पहले, लगवाने दो। क्यों आप क्या कह रही थी? क्यों पहले मैं लगवाऊंगी? नहीं आप क्या कह रही थी पहले इस मामले में? क्या वो कह रही है? इस मामले में मैं किसी की भी नहीं हूँ, पहले मुझे बस मेहंदी लगवानी है। आज ये मानने वाली नहीं है, ये पहले लगवा लेगी। जल्दी करो। कब से बोल रही है जल्दी करे जा। अभी तो मैंने अंदर से चांद बनवाना है। नहीं मैंने अपने व्लॉग में दिखाना है। नहीं मैंने वो चांद अपने व्लॉग में दिखाना है, मुझे बनवाना है। आसमान वाला चांद दिखाना। चलें जी फाइनल हो गई है मेरी मेहंदी। मैं घर का नहीं हो
सलमान बेबी जैसे ना भाभी ये ले आप कुछ भी कर लो आज ये किसी की नहीं सुनने वाला। मुझे ये बताओ एक बात बताओ तुम, मैं जब से आई सुन रही हूँ कि मोबाइल बंद हो जाएगा मुझे दिखाओ, अभी तक तो ये बंद हुआ नहीं है, ये बंद कब होगा? तो नहीं मुझे लगा तुम कह रहे हो बिल्कुल पावर ऑफ हो जाएगा, तुम तो तुम ये तो बोल रही थी पावर ऑफ हो जाएगा, ये 35 पे पावर ऑफ हो जाता है भाई, बहुत चलाक है ये लड़की। चलें जी, अली जान के कपड़े काफ़ी लेट आए हैं, तकरीबन 5 बज गए हैं, और अभी जो है इसके धागे वगैरह भी उतारने हैं और इसमें प्लास्टिक भी डालना है और इसको आयन भी करना है, तो जल्दी से जो है ना इनका सूट मैं रेडी कर लेती हूँ। ये डल गया प्लास्टिक, अभी हम इसको करेंगे इस तरह। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना बच्चों की ड्रेस जल्दी से प्रेस कर लेते हैं, फिर उठाते हैं बच्चों को, रेडी हो जाएंगे। आज मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ, मैं सोच रही हूँ पता नहीं जब मैं सोऊंगी तो फिर कब उठूंगी, ये सोचना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। सुबह सब ईद मिलने आएंगे तो मैं सोई पड़ी होंगी। और अब हम बना लेते हैं मेहंदी वाले हाथों से सिवैयाँ, ताकि सुबह मीठी मीठी सिवैयाँ खाएं और मीठी मीठी ईद मनाएं। तो चलें जी, यहाँ पे जो है ना मैंने गरी काट ली है, अभी बाकी जो है ना आगे क्या कहते हैं उसको अपना जो है ना बनाते हैं शील कोरमा। तो माशाल्लाह से अली जान जो है ना रेडी हो चुके हैं, अपना ड्रेस इन्होंने वेयर कर लिया है, और पापा से भी सबसे पहले अली जान रेडी हुए हैं और अली जान जीत गए हैं, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह से रेडी हो के यहाँ पे सिवैया खा रहे हैं बच्चे। वे, वे, वे। मिठू कह रहा है मुझे ईद नमाज के लिए ले चलो, मेरे कपड़े का है मिठू कह रहा। ये देखो सेवियां तो खिला रहे हो उसको ईद की, वो कह रहा मुझे साथ भी ले चलो। अच्छा मिठू ले जाएगा काशिफ तुम्हें, कपड़े कहाँ है इसके? मिठू कह रहा मेरे ईद के कपड़े कहाँ है? नहीं वो कह रहा मैंने काशिफ जैसे कपड़े पहनने हैं। काशिफ अपने कपड़े उतार के उसको देगा। हाँ तुम्हें प्यार है ना मिठू से, हम कैसे माने, जल्दी अपने कपड़े उतार के दो उसको, दो मैं कौन से पहनूंगा फिर, मिठू क्या पहने फिर, मिठू वाले पहले हाँ मिठू अपने ग्रीन उतारेगा वो तुम पहन लेना, मिठू प्यारा है। चलो ठीक है जल्दी जल्दी खा लो सिवैया, फिर आपके पापा आ जाते हैं, फिर नमाज पढ़ने जाओ। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड सुरमा लगा रहे हैं ईद की तैयारी करने के लिए। बच्चों चलो पापा आपको सुरमा पहना है। सुफियान काशिफ आ जाओ, सुफियान आ जाओ, आ जाओ सुरमा पहन लो, आ जाओ। मैंने नहीं पहनना, नहीं पहनना है सुरमा को, सवाब बता सवाब इधर देखो। अभी जा रहे हैं बच्चे ईद नमाज पढ़ने, जाओ जाओ शाबाश, दरवाजा बंद कर दो बच्चों, पापा के साथ तस्वीर बना रहे हैं। चलो मिठे दरवाजा बंद कर दो। तो ये रहा दूसरा, ये भी पहन लेंगे, और मुझे लगता है ये मैंने उधर मदीने में पहना था, ये वही वाला, ये टाइट हुआ पड़ा है पहले से ही, और एक को पहनते पहनते दूसरा उतर गया। तो मुझे ना एक दो बार पहनूंगी फिर ही मुझे प्रैक्टिस होगी इसकी, ऐसे नहीं होगी इसको मैं अभी खुला कर लूँ।
तो ये देखिए मैंने वेयर कर लिए हैं और आप सब बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं कि नहीं। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। चलो ईदी ईद मुझे मिलो और ईदी बाबा से लो। ये काशिफ के, ये चलो माशाल्लाह। तो ये देखें अली जान मुझे चूड़ियाँ पहना रहे हैं। तो ये अली जान ने मुझे चूड़ियाँ पहना दी हैं। अभी मेरे हस्बैंड आ गए ईद मिलने के लिए। ईद मुबारक। हाँ तो ऐसे ही मिलते हैं। हाँ तो नहीं 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 पहले आप मुझे चूड़ियाँ पहना ले। मियाँ जी बच्चों को ईदी चाहिए, मुझे ईदी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे ईदी दो, क्यों मुझे ईदी दो, हम बच्चे हैं हमें ईदी चाहिए। नहीं तो नहीं मुझे ईदी चाहिए, आपको ईदी देनी चाहिए, मुझे ईदी दीजिए, मुझे दीजिए ईदी, इनको देखिए ईदी दो, हमारे पास ईदी दे दो दे दो दे दो दे दो। नोट रो रहे कह रहे काशिफ भैया, ओ कह रहे नोट रो रहे काशिफ भैया के पास जाने, बात सुने इनकी। तो ये देखिए आज हम बच्चों में ईदी बांटेंगे, बच्चों में ईदी, किसको ईदी चाहिए किसको। उस दिन की तरह ना अपना कहा था ना, दो बीस बीस वाले नए नोट दूंगी। हाँ नहीं होगा, ये अपनी ईदी देखे कौन सी निकाल रहे हैं। दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज माई ईदी। ये देखिए ये ईदी मुझसे छीनी जा रही है। YouTube फैमिली ये सरासर नाइंसाफी है। चलिए अभी सोचते हैं बच्चों को कितनी ईदी दी जाए। लो गिनते जाओ, एक मिनट। मेरी चूड़ियों में फंस गया, कहाँ से फंस गया। अच्छा इन कड़ों का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये फंस जाते हैं। खुल गया नहीं। कितनी ईदी चाहिए, ये लो निकालते जाओ, निकालो, एटीएम से पैसे निकल रहे हैं। एक दो तीन चार, रुको, पाँच, ये लो, छ सात आठ नौ दस, नहीं दस, चलो आपकी ईदी पूरी। ये 100 रुपया, गिनो गिनो कितने है, गिनो, साठ, हाँ, अस्सी, नब्बे, सौ, हो गए ना 100। पता ही नहीं था आपको कि पीछे से गिर रहे हैं। मिल गया अभी। तो ये देखे सुफियान ने जो है ना अपने पापा को क्या दिया ईदी में, अंडे। ईदी नहीं है। हाँ क्या है ये, ईदी चाहिए आपको, ये लो सारे का सारा मेरे, ये लो 100 मिलेंगे, 100, अभी तो 20 हुए हैं, अभी तो 20 हुए हैं, जिंदू ख्याल करेंगे उत रखने। ये लो ये लो ये लो ये लो, कितने हुए, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10 नीचे गिर गए, उठाओ 100, वही सोच रहे थे। चलो आपकी ईदी मिल गई और यहाँ पे हम मिल के अपनी अपनी सिवैयाँ खा रहे हैं। अली जान आपने बहुत लेट कर दिया बेटा, मैं धोने गया था इसको, गंदी हुई पड़ी थी। चलो कोई नहीं, हमने तब तक सिवैयाँ ही खत्म कर ली। चलो आओ आपको ईदी दूँ, आओ मेरा बेटा। शाहजहाँ मामा को दोगे, मुझे नहीं दोगे, मैं भी गिफ्ट दूंगा सुफियान को मुर्गी। तुम क्या दोगे, देसी मुर्गी। तुम सुफियान को देसी मुर्गी गिफ्ट दोगे, वाह वाह। अच्छा
ये लीजिए। अच्छा ये सारे का नहीं नहीं ऐसे गिने गिने, एक 40, वो 10 नीचे गिरे हैं, 50, 60, 70, 80, 90, 10 नीचे वाले उठाओ, 100। ए चलाक, मैं जानबूझ के फेंक रही हूँ कि ईमानदारी कौन करता है। खैर सबने ईमानदारी की है, ठीक है। नए नए नोट है ना, है ना, नए नए नोट है ना। हाँ तो चलें जी, अभी हम जा रहे हैं अम्मी वालों के घर, अम्मी वालों को ईद मिलने, और खाना भी हम वहीं पे खाएंगे सब साथ में। चलें जी, ये है हमारी ईद, और रात को हवा इतनी तेज चली है ना, रोड पे इतना ज़्यादा कचरा है कि मैं दिखा नहीं सकती। बैक कैमरा लगा हुआ होता तो अभी ऑफ करके लगाती हूँ बैक कैमरा और आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितने पत्ते पड़े हुए हैं, अभी फिर भी कुछ सफाई कर ली होगी इन लोगों ने ना रोड की, लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा थे। हम लोग आ रहे हैं और ये लोग जा रहे हैं। ये देखें झुमके जो है ना, मैंने अपने उतार दिए थे क्योंकि मुझसे ना हैवी पहने नहीं जाते, और गाड़ी में रख लिए थे तो अब पहन लूँगी जल्दी से, पहन के ना फिर अंदर चलेंगे। अगर नहीं पहन के गई ना, अम्मी कहेगी आज भी कान में कुछ नहीं पहना हुआ, तो पहनना पड़ेगा। तो चलें जी, अभी झुमके जो है ना मैंने पहन लिए हैं, तो अभी चलते हैं अंदर अम्मी के पास, और आप बताइएगा मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी है। ये देखिए फुल मेहंदी मेरी, और ये जो मेरे कंगन है ना, ये मैंने इंडिया से मंगवाए हैं, मम्मा ने वो किसी को बोल के मंगवाए थे। तो अभी हम चलते हैं अंदर, क्या हुआ तेनू वेखाना। तो आज अम्मी ने बनाया है मज़े का गोश्त अपने हाथों से, और खाना आज हम सब एक साथ इधर ही खाने वाले हैं। ये बच्चों के काम देखे, इतनी सारी अपने लिए ना खुद गए और चीजें लेके आ गए। तो चलें जी, अभी मैं जा रही हूँ घर क्योंकि रात को नींद आई नहीं, और मैं सोच रही हूँ अभी जाके थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर शाम में फिर मेहमान आने हैं। तो चलें जी, आ चुकी है मेरे पास मेरी तीसरी ईदी, और ये तीसरी ईदी किसकी तरफ से है ये देख लेते हैं, और इसमें क्या क्या है ये भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो जी हम अनबॉक्सिंग करते हैं मेरी तीसरी ईदी की। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं। और ये वाला गिफ्ट जो है ना बहुत स्पेशल है, और ये जो है ना मुझे दूसरे दिन रिसीव हुआ है, मतलब कि दूसरी बार। तो जो है ना ये भी आपको दिखा देती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ, वो तो मैं आप मेरा पहला गिफ्ट तो देख चुके हैं कि क्या आया है। तो अभी हम खोलते हैं इसको, और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। ये मैं ईद वाले दिन ओपन कर रही हूँ। तो चलें जी, ये जो है ना खुल गया है। तो चलें जी, ये जो है ना ओपन हो गए हैं, और इसमें देखें क्या चीज़ें आई हैं हमारे पास। इसमें आई हैं हमारे पास मेहंदी, ये देखें इंडिया की मेहंदी, और ये जो है ना इंडिया की विको टर्मरिक, और इसमें है हमारे पास हिमालय का फेस वॉश, और ये है हमारे पास सनब्लॉक लैक्मे का, और इसमें कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट है, और ये खीर मिक्स है,
और सबसे कीमती चीज़ ये जो है ना, एप्पल के एयरबड्स आए हैं मेरे पास ईदी में। एक मिनट खोल के देखते हैं इनको। इनका जो वो दूसरा पैक है ना, वो भी मेरे पास पड़ा है, लेकिन ये इसमें डाले हुए हैं। ये देखिए, ओरिजिनल एप्पल के एयरबड्स, वाओ। ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलें जी, ये था मेरी ईदी का सामान, ड्राई फ्रूट और ये सब चीज़ें। और ये भी मम्मा की तरफ से है, दो बकेट है मम्मा की तरफ से, ये भी वो भी। तो यहाँ पे हस्बैंड ट्राई कर रहे हैं। कैसी है किशमिश? लंबी कितनी है देखें, यहाँ पे इतनी लंबी किशमिश नहीं मिलती है ना, इतनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। तो यहाँ पे हस्बैंड और मैं सब चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ। अच्छे हैं? आप खा के क्या करोगे? रात को आएगा। इसी दे तो आप खा रहे हो। क्या करूँ? मेरे लिए रख दो। अच्छा ठीक है, आप खाओ। वैसे भी मुझे ज़रूरत नहीं, मैं पहले ही हेल्दी हूँ। अच्छा, मेरा कोई हिस्सा नहीं है? मतलब मुझे कुछ नहीं खिलाना आपने है? मैंने सोचा अली बेटा मेरे लिए कुछ रखेगा अपनी चीज़ों में से। अपनी चीज़ों में से? हाँ, वो एक चीज़ रखी थी। क्या? देखो देखो बात सुनो, मिठाई रखी थी, वो भी गिर गई, चला गया वो भी हमसे। बेटा तो आप हमारे बच्चे हो, हम आपके माँ बाप हैं। अच्छा, आपने अपनी बहनों से बात नहीं करनी आज? ईद है, शाम को बात करोगे क्या? अभी कर लेते बात। हाँ चलो, मोबाइल मेरा ले आओ। उठते हैं, ईद की नमाज पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 2 बजे उठते हैं, फिर कहीं बाहर जाते हैं। आपने तो मुझे चीजें नहीं खिलाई, ये मेरी मम्मा की तरफ से चीजें आई हैं, आप खाओ जो खाना हो आपको। बादाम खाने तो बादाम खाओ, तुम्हें टीचर ने कहा ना बादाम खाओ ताकत आएगी। देखो भाई, ये होती है मोहब्बत। मैंने इसके लिए अपनी चीजें रखी है, मैंने कहा अली बेटा आएगा खाएगा, लेकिन इसने अपनी एक चीज भी नहीं दी मम्मा को, मैं इससे नाराज हूँ बस। तुम मेरे लिए 10 रुपए की चीज रख देते, 10 रुपए का तुरतुरा ही रख देते। चलो रख तो देते, था तो सही। ये देखो, ये मुझे गोली मारने आया। ओवरऑल सारी चीजें जो है ना बहुत अच्छी हैं। जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मम्मा का, उन्होंने मेरे लिए जो है ना ये चीज़ें भेजी। आज के दौर में कोई नहीं इतना करता है जितना वो मेरा करती हैं। अल्लाह पाक उनको जो है ना खुश आबाद रखे और अच्छी हेल्थ दे, और उनके घर वालों को भी खुश रखे, और जो है ना आप सबका भी शुक्रिया। तो और आप सब ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है कि अल्लाह पाक जो है ना बुरी नज़र से बचाए, और मेरी जो है ना इस ईदी पे आपने ज़रूर माशाल्लाह बोलना है। तो इसी के साथ जो है ना हमारा आज का व्लॉग भी एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।